नमस्कार, खबर स्टेशन में आपका स्वागत है। हमारे देश की राजनीति में अपराध जगत की तूती बोलती है। कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने पहले तो अपराध की दुनिया में अपने नाम का डंका बजवाया और अब नेता बनकर वो देश की राजनीति का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ राजनीति और अपराध जगत का बेहद ही करीबी रिश्ता रहा है। यहाँ की सियासी जमीन पर कई ऐसे नेताओं ने राज किया है जो अपराध की दुनिया के बेताज बादशाह रहे। अपहरण, हत्या से लेकर लूटपाट, ये सभी काम उन अपराधियों ने किए हैं जो अब सूबे की राजनीति पर अपनी धाक जमा चुके हैं। आज कुछ ऐसे ही अपराधियों के बारे में हम आपको बताएंगे जो अपराध की दुनिया को तो नहीं छोड़ सके बल्कि उसे भी आगे बढ़कर वो राजनीति की दुनिया में प्रवेश कर गए हैं। मुख्तार अंसारी, इन्हें कौन नहीं जानता। एक माफिया डॉन होने के साथ साथ ये उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख राजनेता भी हैं। इन्हें सूबे का बाहुबली नेता कहा जाता है। दबंगई के मामले में इनका कोई तोड़ नहीं है। मऊ विधानसभा क्षेत्र से ये 5 बार विधायक का चुनाव जीते हैं। 2010 में इन्हें आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित होने के कारण बहुजन समाजवादी पार्टी ने पार्टी से निकाल दिया था, लेकिन फिर बाद में इन्हें पार्टी में शामिल कर लिया गया। उनके ऊपर कृष्णानंद राय की हत्या का भी आरोप लगा था, लेकिन सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया। मुख्तार अंसारी ने अपनी दबंगई के दम पर ठेकेदारी, खनन, शराब और रेलवे ठेकेदारी जैसे क्षेत्रों में अपना कब्जा जमा रखा है। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। रघुराज प्रताप सिंह के नाम से भले ही लोग कम वाकिफ हों, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजा भैया का नाम एक बाहुबली नेता के तौर पर लिया जाता है। राजा भैया पर डीएसपी जिलाऊ हक सहित कई हत्याओं का आरोप है। उनके पैतृक निवास प्रतापगढ़ जिले की कुंडा तहसील के बारे में कहा जाता है कि राज्य सरकार की सीमाएं यहां खत्म हो जाती है क्योंकि वहां उनका अपना ही राज चलता है। अमरमणि त्रिपाठी। अमरमणि त्रिपाठी को उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली राजनेताओं में गिना जाता है। उन्हें दल बदलू नेता के तौर पर भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने अपने राजनीतिक सफर में कई पार्टियों का दामन थामा। उन पर हत्या सहित कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल वो कवित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। अतीक अहमद। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अतीक अहमद को एक खतरनाक बाहुबली नेता के तौर पर जाना जाता है। वो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की लोकसभा सीट फूलपुर से सांसद रह चुके हैं। उन पर हत्या की कोशिश, अपहरण, हत्या के करीब 42 मामले दर्ज है। राजनीति में आने के बाद भी आज तक अपराध की दुनिया से बाहर नहीं निकल पाए हैं। हरिशंकर तिवारी। गोरखपुर के रहने वाले हरिशंकर तिवारी सूबे के कुख्यात बाहुबली नेता हैं। रेलवे से लेकर पीडब्ल्यूडी की ठेकेदारी तक में इनका कब्जा है। इनके खिलाफ हत्या, हत्या की कोशिश, फिरौती और अपहरण के 25 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं। कहा जाता है कि हरिशंकर तिवारी जेल में रहकर चुनाव जीतने वाले देश के पहले नेता थे। उसके बाद ही यह सिलसिला चल पड़ा और यह भी कहा जाता है कि हरिशंकर तिवारी के चलते ही अपराध की दुनिया के लोग राजनीति में आने लगे। ये लोग थे उत्तर प्रदेश के बाहुबली जिनके बारे में हमने आपको बताया। खबर स्टेशन के लिए रोशन की रिपोर्ट।